सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है डाइट टिप्स टू बिल्ड मसल फास्ट। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं हमेशा कि भैया बॉडी नहीं बन रही, मसल बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं जिम में। मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक्सरसाइज से ज्यादा डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जब बात आती है मसल बिल्ड करने की या बल्कअप करने की, और लोग अधिकतर वहीं पर मार खाते हैं, यानी लोग अपना डाइट मेंटेन नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 8 टिप्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको बल्कअप करने में यानी जल्दी जल्दी मसल बनाने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट स्टेप जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा वो है गेट यूज टू कैलोरी सरप्लस, मींस ज्यादा खाने की आदत डाल लो अगर आप लोग सीरियस हो मसल बिल्ड करने के लिए या फिर जल्दी जल्दी बल्कअप करने के लिए, क्योंकि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि सपोजिंगली उनको दिन में 6 मील करनी है, बट जब वो एक से दूसरी से तीसरी मील पे जाते हैं तो वो बहुत ही फुल फील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है और वो नेक्स्ट मील या तो मिस कर देते हैं या उसका पोर्शन साइज छोटा कर देते हैं। बट ऐसा ना करें, क्योंकि कैलोरी सरप्लस का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। अब कैलोरी सरप्लस के नाम पे बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाओ। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट भी इक्वली जरूरी होता है जब आपका पर्पस हो मसल बिल्ड करना या आप जल्दी जल्दी बल्कअप करना चाहते हो, क्योंकि जिस ऊर्जा की आपकी बॉडी को जरूरत पड़ती है मसल बिल्ड करने के लिए वो आता है कार्बोहाइड्रेट से। इसका मतलब है कि आपको हाई कार्ब डाइट लेनी पड़ेगी। मेरा सजेशन ये है कि दिन भर की जितनी भी कैलोरी आपको खानी है उसमें से 50-60% कैलोरी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे पिज्जा बर्गर ऐसा कुछ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, आप गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट को ही चूज करें अपनी डाइट के लिए, जिसमें आप खा सकते हो राइस, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो, ओटमील एक्सेट्रा। इसके साथ ही हाई कार्ब आपको एनाबॉलिक स्टेज में रखने में बहुत मदद करता है। अब छोटी सी बात समझने वाली है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे तो जो प्रोटीन मसल बनाने के काम में आ रहा है उसको बॉडी एज ए एनर्जी यूज कर लेगी। तो इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट एनफ खाने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करते रहे और प्रोटीन आपका मसल बिल्ड करने में हेल्प करे। कंक्लूजन ये है कि अच्छा खाएं और ज्यादा खाएं अगर आपको बल्कअप करना है जल्दी जल्दी। सेकेंड टिप है हाई मील फ्रीक्वेंसी। हाई मील फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, मतलब आपको ज्यादा के साथ साथ बार बार खाना पड़ेगा। पूरे दिन भर आपको हर 2 से 2.5 घंटे बाद खाना चाहिए, बिकॉज दिन भर आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन और मसल बिल्ड करने के बीच में वेरी करती रहती है, क्योंकि आपको बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्डिंग वाले प्रोसेस में रखना है। उसके लिए आपको बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस रखना होगा, जिसके लिए आपको प्रोटीन को बार बार खाना पड़ेगा। अलोंग विद द प्रोटीन हर मील में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ध्यान रखें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको पूरे दिन भर में कम से कम 5 मील जरूर करनी चाहिए। थर्ड टिप जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा वो है नेवर स्किप योर मील इवन ऑन योर ऑफ डेज। आपको ये समझना होगा कि जब आप जिम जाते हो तब आप एक्चुअल मसल बिल्ड नहीं करते, तब आप मसल ब्रेकडाउन करते हो। आप मसल बिल्ड करते हो जब आप अपने रिकवरी फेज में होते हो, अपनी मील्स को प्रॉपर टाइम पे ले रहे होते हो और अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे होते हो। लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने ऑफ डेज में मील्स को स्किप कर देते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में उस दिन नहीं खाते, जिसकी वजह से वो अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम आपको अपने ऑफ डेज में भी उतनी ही मील्स करनी है जितनी आप नॉर्मल दिन में करते हो जब आप जिम जाते हो। तो इसका मतलब है आपको 7 दिन पर्याप्त मात्रा में खाना पड़ेगा अगर आप बल्कअप करना चाहते हो फास्ट। 4th टिप है एड वेट गेन शेक इन योर डाइट।
क्योंकि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है, जिसके लिए पूरे दिन भर सॉलिड फूड खाना कई बार मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। पहले तो आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फूड खाएं, बट फिर भी वेट गेन शेक को अपनी डाइट में शामिल करना कैलोरी सरप्लस के लिए एक इजी ऑप्शन है। मेरा सजेशन है कि आप मार्केट से वेट गेन शेक बाय करने की बजाय घर पे रह के ही बनाएं, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पता होगी और जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बनाओगे उनको आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपना होममेड वेट गेन शेक बना सकते हो वो है मिल्क, बनाना, ओट्स, वे प्रोटीन एंड पीनट बटर, जिससे कि आपका एक हेल्दी शेक बन के तैयार हो जाएगा जो कि आपको बल्कअप करने में हेल्प करेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड पीनट बटर, तो मैंने रिसेंटली ट्राई किया है पिंटोला का ऑर्गेनिक जैगरी पीनट बटर। वैसे तो मैंने बहुत सारे पीनट बटर ट्राई किए हैं, बट ये पहला हाई प्रोटीन पीनट बटर है एंड इट्स टेस्ट अमेजिंग। गुड फैट के साथ साथ 100 ग्राम में आपको मिलेगा 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि किसी भी अन्य पीनट बटर के ब्रांड की तुलना में ज्यादा है। पिंटोला के पीनट बटर में ऐड किया गया है हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, दैट टू इंपोर्टेड फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये 100% ऑर्गेनिक जैगरी से बना है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड नहीं की गई है और हाई प्रोटीन होने के साथ साथ इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है। ऑर्गेनिक जैगरी के साथ साथ हाई प्रोटीन पीनट बटर में डार्क चॉकलेट भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके प्रोडक्ट जरूर चेक करें। और हाँ, पिंटोला के सभी प्रोडक्ट ऑल नेचुरल एंड हाई क्वालिटी हैं। फिफ्थ टिप है, ऐड कैसीन प्रोटीन इन योर डाइट। हम सभी लोग वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन पीते हैं क्योंकि वो फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है और हमारी मसल्स को इमीडिएट रिपेयर करता है। बट अगर आप एक्चुअली बल्कअप करना चाहते हो फास्ट, तो आपको कैसीन प्रोटीन को रात को सोने से पहले अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, तो वो रात भर यानी पूरी रात वो आपके मसल्स को स्लोली स्लोली फीड करता रहता है और उनको एनाबॉलिक स्टेज में बना के रखता है, जिससे कि आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। सिक्स्थ स्टेप आप सभी लोगों के लिए होगी, एड फ्यू इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इन योर डाइट। अगर आप मसल बिल्ड करने के लिए बहुत ही सीरियस हो तो कुछ सप्लीमेंट हैं ऐसे जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, जिसमें है प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन। अब प्रोटीन के बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है, मैं भी कई बार आपको बता चुका हूं। क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है जिसका रिजल्ट आता ही आता है, तो दिन में आप 5-7 ग्राम खा सकते हो। प्री वर्कआउट आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी बना के रखेगा जो जरूरी है। गुड फैट के लिए आप फिश ऑयल खाएं, और क्योंकि डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें। सेवन टिप है, ड्रिंक एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आपको मसल को ग्रो करना है तो आपको उसको हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगर आपका मसल डिहाइड्रेटेड रहा तो उसमें क्रैम्प पड़ेंगे और आप अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में बेटर न्यूट्रिएंट सप्लाई होती रहे। ये आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है, जो कि आपको एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं। हाइड्रेटेड रहने से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि आपके मसल बिल्ड प्रोसेस को सपोर्ट करती है। एट्थ एंड लास्ट स्टेप जो होगा वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। मींस हर वीक आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए कि आपकी फिजीक में क्या चेंजेस आए थ्रू द पिक्चर्स, या फिर आप वेइंग स्केल पे चेक करो कि आपने कितना वेट गेन किया। अगर तो कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब है या तो आप कम खा रहे हो या फिर आपको डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते और बोलते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा वर्कआउट भी करते हैं, पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बट उनको कैसे पता चलेगा कि उनमें कितना परिवर्तन आया कितना नहीं, तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी प्रोग्रेस को वीकली ट्रैक किया जाए।
ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। हर वीडियो की तरह चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।